किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश में जैविक खेती संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने जैविक मध्य प्रदेश थीम को आधार बनाते हुए आवश्यक प्रोग्राम तैयार करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर प्रगतिशील किसानों को चयनित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले के प्रगतिशील किसानों को FPO में शामिल किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों से बाकी किसान भी प्रोत्साहित होकर जैविक कृषि की ओर आगे बढ़ सकेंगे और मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि प्रदेश बनाने के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। जैविक मध्य प्रदेश थीम पर आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश के जैविक मामलों के विशेषज्ञ, मध्य प्रदेश के केलकर बंधुओं के साथ कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। पटेल ने कहा कि जैविक खेती करने वाले कृषकों को अनुदान पहले ही वर्ष से दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को कठिया, शरबती जैसे गेहूं को प्रमाणिक रूप से उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने जैविक उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग पर भी जोर दिया। पटेल ने जैविक बाजारों को विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। जैविक खेती करने से जो उत्पाद होगा वो स्वस्थ होगा और स्वस्थ अनाज ही व्यक्ति को स्वस्थ रखेगा, मन बुद्धि शरीर को स्वस्थ रखेगा और इसलिए आने और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और इसलिए जैविक खेती आज की आवश्यकता है, आज की मांग है और कोरोना के संकट के बाद तो इसकी डिमांड और बढ़ गई है, मांग और बढ़ गई है और इसलिए आज की आवश्यकता ही जैविक खेती है। और इसलिए मध्य प्रदेश को हम जैविक खेती के माध्यम से जैविक मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं जिससे किसान की लागत कम हो और उसकी उपज के उसको उचित मूल्य मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना 2022 तक करना है उसको हम प्राप्त कर सकें। जैविक मामलों के विशेषज्ञ अजीत केलकर, रवि केलकर ने ग्राम स्तर पर ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन सेंटर पर विस्तार से प्रकाश डाला। केलकर बंधुओं ने बताया कि निमाड़ क्षेत्र में वर्तमान में 9 इनपुट सेंटर सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से खरगोन, मंडलेश्वर, खंडवा में डेढ़ तलाई के अलावा वसुधा जैविक अभियान के द्वारा भी इनपुट केंद्र संचालित किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।